हेलो हेलो हेलो। या एम आई ऑडियोबल? कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग, कैन यू गाइस हियर मी? यस नो यस कैन यू हियर मी? यस 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 ओके। सो यू नो लाइक बहुत बार ये होता है ना कि जब आप स्कैन करते हो तो पहले ही आता है लाइक यू कम टू नो कि भाई ये 5% वाला स्टॉक है या 2% वाला स्टॉक है। सो विल स्टार्ट विद दैट। ये वैसे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला था फॉर यूट्यूब, सो होपफुली हम यही पोस्ट कर देंगे। ये क्या होगा कि जैसे आप अपनी फाइनल वर्टिस रेडी करते हैं और आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो 5% सर्किट में है, देन यू हैव टू रिमूव दैट स्टॉक इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग 5% स्टॉक, जो यूजुअली बहुत लोग नहीं करते। ठीक है, सो विल डू दैट एंड आई विल शो यू, देन बाद में जो हमारा स्कैनिंग सेशन होता है वो रेगुलर वही करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू नीड डेटा फ्रॉम दिस एनएससी। ठीक है, दैट दे आर कंप्लीट लिस्ट ऑफ राइट बैंड। ठीक है, अब आपका ये डाउनलोड हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, एज यू कैन सी इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज 2% 2% एंड अप टू डाउन टू, अगर आप जाके देखो ये 5% वाले स्टॉक है। ये इसका ये जो कॉलम है ना, ये पूरी 5% स्टॉक अभी आपको दिख रहा है, एंड देन यू कैन ड्रैग इट डाउन। आप देख रहे होगे यहाँ पे कि भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 और ओके सो यहाँ तक 570 स्टॉक्स आर देयर जो 5% सर्किट या उससे कम में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें से, क्योंकि आप ये स्टॉक तो वैसे भी स्कैन आपको नहीं करना चाहिए। अगेन ये जो फुल क्रेडिट है दिस इज फॉर अरविंद। ये अरविंद ने बताया मुझे एंड आई थॉट ये अच्छी चीज़ है, बाकी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। सो फुल क्रेडिट टू अरविंद। ठीक है, और स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इसके लिए इसमें जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस नीड टू कॉपी एंड पेस्ट दैट। ये कैसे आया कहाँ से आया वो मैं आपको सीधा ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट अगेन। तब आप जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमें पूरी लिस्ट यहाँ से चाहिए जहाँ तक 5% वाले स्टॉक आ रहे थे ना, वी नीड दैट उसके सारे नेम नाम चाहिए हमें। सो अराउंड 540 थे जितने भी स्टॉक थे। एज यू कैन सी नाउ 20% वाले स्टॉक आ गए, थोड़ा नीचे ले लिया मैंने, ज़्यादा स्पीड में आ गया। टेक इट अप एंड एज यू कैन सी भाई, ओके देयर यू गो। सो यहाँ तक ठीक है, अब ये सारे स्टॉक को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मेरी जो रेड लिस्ट रहती है ना, रेड लिस्ट जो है, अब वो रेड लिस्ट में मैं यहाँ पे ये सारे सिंबल पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यू नीड पेड वर्जन। ठीक है, यू नीड पेड वर्जन, अगेन यू नीड पेड वर्जन। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल फर्स्ट, पहले जो पुराने थे वो सारे निकाल के आज की जो लिस्ट है वही रखते हैं। तो पहले कंट्रोल ए एंड डिलीट देम ऑल, 626 स्टॉक थे। अभी फिर से जाके मैंने ये जो सारे स्टॉक जो अभी हमने जस्ट कॉपी किए वो यहाँ पे पेस्ट कर लिए। ठीक है, सो ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट गो टू एनएसई। जस्ट राइट इट डाउन, फर्स्ट स्टेप गो टू एनएसई एंड डाउनलोड फाइल। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप, ये आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट द नेक्स्ट स्टेप, आपका जो सेकंड स्टेप है, सारे स्टॉक का जो हमने जो यहाँ पे टाइप करके जो किया एक्सेल में, जो ये हमें नाम इसको कॉपी किया आफ्टर पोस्टिंग, इनके जो सिंबल कॉपी किए क्योंकि यही ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, एनएसई टाइप करके वहाँ पे हमने जो लिया, तो डू दैट। ठीक है, ये सेकंड स्टेप के सेकंड कॉपी ऑल नेम्स फॉर ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यू नीड पेड ट्रेडिंग हो। ठीक है, यू नीड पेड ट्रेडिंग, ऐसा नहीं होगा कि
अगर फ्री में हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता, बट ये अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे यही पता चला, बिकॉज आई यूज पेड वन। सो ये पेड में ही अभी जो करेंगे हम, पेड वाले में ही करेंगे, ठीक है। सो ट्रेडिंग व्यू में कॉपी करके इसको सारे स्टॉक को ले लो, लाइक थर्ड स्टेप, लेट्स पुट दैट पेस्ट इट इन द पेज टू ट्रेडिंग व्यू, वो एटलीस्ट एनी कलर आपका, जो भी कलर हो। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं यूज नहीं करता नॉर्मली, वो मेरे लिस्ट में नहीं रहता, तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टॉक यहाँ पे रेड लिस्ट में है, तो सारे स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो 5% या उससे नीचे की सर्किट में, अभी हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ हमारा जो नॉर्मल जो स्कैनिंग रहता है, वो स्कैन करने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्कैनिंग है ईएम स्कैन, तो यहाँ पे स्कैन से मेरा जो भी रनिंग रन कर लिया, और जितने भी स्टॉक है अराउंड 955, तो इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे कॉपी कर रहा हूँ, कि ये जो रूटीनली हम करते हैं वही। ठीक है, अब इसको मैं अपनी जो नई वर्डलिस्ट कुछ बना के, न्यू वर्डलिस्ट बना के, आज की डेट 24 अप्रैल, आज की लिस्ट बना के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारी जो रेगुलर स्कैनिंग करते हैं, वो लिस्ट मैंने आज के लिए जब हम स्कैन करेंगे उसकी लिस्ट बना दी। नाउ यहाँ पे जैसे आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे कलर, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे आप, ये क्लिक टू सॉर्ट बाय फ्लैग फ्लैग, तब आपको मिलेंगे जो भी रेड स्टॉक हो गए ना, वो ऊपर आ गए, कलर फ्लैग सारे हो गए होंगे, इफ यू कैन सी देम देयर यू गो। तो सारे रेड कलर के जो स्टॉक है, ये सारे हमें निकालने हैं, बिकॉज दे आर ऑल एज यू कैन सी, ये सारे स्टॉक हमने पहले से ये चेक कर लिया था कि दे आर ऑल ट्रेड टू ट्रेड, और यू कैन से 5% सर्किट में। तो ये सिंपल स्टेप से आपको पता चल जाएगा। एंड नाउ समवन, जैसे कि ग्रुप में आप अपने देखा होगा मॉर्निंग मीटअप में, कि अरविंद जल्दी बता देता है कि भाई ये स्टॉक सर्किट में है, 5% सर्किट में एंड ऑल, बिकॉज ही हैड दैट दिस रेड टैग, ये रेड टैग लगा हुआ है। तो यू जस्ट रिमूव दिस ऑल स्टॉक, तो अभी आपके जो 900 कुछ स्टॉक थे यहाँ पे, अभी 24 अप्रैल पे 850, सो 60 स्टॉक्स कुछ चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि, एंड मेन मेन चीज़ है कि आप स्कैन करोगे और आपको पता चलेगा कि ये 5% सर्किट में, इससे बेटर आपको पहले ही पता चल जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा, कि अगर आपको ये, आप अगर आप ये चाहते हैं कि जस्ट राइट इट डाउन, 4 स्टेप कलर फ्लैग, लाइक सिलेक्ट अ कलर फॉर अ वॉच लिस्ट एंड देन रिमूव, ठीक है। सिलेक्ट कलर फॉर डाउनलोडेड लिस्ट एंड फाइनली उसको रिमूव करना, जो मैंने आपको दिखा दिया। आई डोंट थिंक यू नीड दैट फुल डिटेल नाउ, स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वॉटलिस्ट में जो भी 5% या उससे नीचे के स्टॉक है वो आए नहीं, तो आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्कैनिंग।